किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टमाटर में जो फल छेदक कीट रहते हैं उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है और वो किस तरह से हमारे खेत में घुसकर नुकसान करती है अच्छे फलों का, और क्या वो तरीके हैं जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रासायनिक और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो दोनों तरीके हैं हमारे, दोनों के हम वहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि चाहे वो टमाटर की फसल हो या किसी और भी फसल हो जिसमें फल लगते हो, सभी में ये फल छेदक जो कीट रहते हैं सभी में लगभग नुकसान करते हैं। टमाटर हो गया, मक्की हो गई आपकी, या कद्दू हो गए, गिलकी हो गई, कुछ भी हो, जो भी फल है उनको ये नुकसान करते ही करते हैं, और लगभग 50% तक नुकसान भी हमारे फसल में देखने को मिला है। तो चलिए बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं फल छेदक कीट के बारे में। इसके जो आकार रहता है, कीट का जो आकार रहता है, वो पतंग मध्यम आकार का रहता है, छोटे रहते हैं, पीले रंग का होता है, और इस कीट के अगले पंख पर भूरे रंग की बहुत सारी धारियां बनी हुई दिखाई देती है, ये इसकी यहाँ पर पहचान हो जाएगी। हल्का पीला रंग इसके ऊपर आपको अलग से दिख जाएगा, तो आप इसको आसानी से पहचान लेंगे जिस पर पीली धारियां इसके ऊपर रहती हैं। और फल छेदक कीट की जो मतलब कि लटे ही जो रहती है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं जो धारियां रहती है, वही तो हमारे टमाटर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। क्यों? उस जो फल छेदक के ऊपर जो तेज धारियां रहती है उन्हीं की बदौलत वो टमाटर के अंदर जो लार्वा रहता है, यानी कि जिससे नए हमारे यहाँ पर कीट बने, वो फल के अंदर भेज देता है, और ऊपर जो कीट रहता है वो तो अंदर नहीं जाता है, लेकिन जो फल के अंदर जो लार्वा गया वो कीट के रूप में बड़ा हो जाता है और उसको ख़राब कर देता है। अब हम बात करते हैं कि उसको निवारण कैसे किया जाए। तो फल छेदक कीट को निवारण करने के लिए सबसे पहले मैं दवाई बताने वाला हूँ आपको कि फेरोमोन जो अब फल छेदक कीट के निवारक की बात करें हम, तो फल छेदक कीट के लिए सबसे पहले फेरोमोन ट्रैप आता है जो 5 से 10 प्रति एकड़ इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि आधी समस्या तो हमारी ये जो ट्रैप रहता है वही हल कर देता है। इसका फोटो आपको दिखाई देगा। टमाटर के क्षतिग्रस्त फलों को क्या करना है, हमें खेत के बाहर किसी गड्ढे के अंदर हमें यहाँ पर दबवा देना है ताकि और ज़्यादा लार्वा ना फैले। उसके बाद टमाटर के जो खेतों में टी आकार के खंभे बनाने हैं, यानी कि जो बर्ड पर्च जिसे कहा जाता है, 10 से 15 एकड़ लगाना है ताकि जो कीट बक्षी जो पक्षियाँ रहते हैं मतलब वो वहाँ पर बैठे और उन्हें खाए। ये मैं आपको थोड़े देसी तरीके बता रहा हूँ। अब टमाटर की फसल को ये तो होगा हमारे देसी तरीके, अब हमारा आएगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से हम कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन उपाय है नीम का तेल 2 से 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमें यहाँ पर छिड़काव करवाना है। आप जितना चाहे उतना नीम के तेल का छिड़काव करवा सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है और बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कीट को मारने के साथ साथ ये झुलसा रोग को भी कंट्रोल करने में काम आता है, पौधे को अच्छा हरा भरा बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। और नीम के तेल का छिड़काव तो हमें करना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अब फल छेदक जो कीट रहते हैं उसमें हम बात आ जाते हैं कीटनाशक जो हमें कम करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, घर के लिए टमाटर लगा रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए धानुका EM1 कीटनाशक को 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करवाना है। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा हम बात करें हमला 550 कीटनाशक को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमें यहाँ पर छिड़काव करवाना है। लार्गो कीटनाशक को प्रति एकड़ 180 मिलीलीटर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर हमें यहाँ पर छिड़काव करवाना है। लेकिन एक बात मैं विशेष आपको बता दूँ, अगर आप घर के लिए खेती कर रहे हैं तो कीटनाशक का उपयोग ना करें, और बेचने के लिए अगर आप 1-2 बीघा 3 बीघा ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप इनका छिड़काव करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी फसल बर्बाद हो जाएगी, बाकी सबकी नहीं। अगर आपके पास अलग से 5-6 बीघा का सेट बना हुआ है तो वहाँ पर आप एक बार ऑर्गेनिक खेती ज़रूर ट्राई करें। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं फल छेदक नियंत्रण करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि दवाई कहाँ मिलेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। धन्यवाद।